माननीय सभापति महोदय, ये उच्च सदन है, माननीय सदस्य नामित हुए हैं, उनकी डिग्निटी पर चैलेंज हो रहा है। किस बात के लिए? क्या बेदारी कॉन्फ्रेंस किया जाना गांधी मैदान में कोई गलत था? इस ढंग की बात नहीं कर रहे। अरे माननीय सदस्य है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। एक राजनीतिक कार्यकर्ता को अगर सम्मान मिलता है तो इसके लिए मुबारकबाद देना चाहिए। भाई सदस्य हुए हैं, बैठिए सुबोध जी, बैठ जाइए सुबोध जी, बैठिए, सुनिए उनको। ये पार्टी तय करेगी, समापन की ओर जा रहे हैं, सुनिए। चेयरमैन साहब, मैंने ये कहा, मैंने ये अर्ज किया, मैं चूंकि मैं बहुत इज्जत करता हूं रामचंद्र पूर्वे जी का, इससे मेरा जज्बा, सुनिए क्या करें, नाम रेफर करते हैं और हमारी जवाबी भी है, इसीलिए आप उनके जवाबी हैं, सीनियर लीडर हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के किसी भी परिभाषा में यह नहीं लिखा है कि सेकुलर फोर्स को कॉमनल फोर्स के साथ समझौता किया जाना चाहिए। चलिए बोलिए, आप आगे पढ़िए कि कॉमनल फोर्स जो विश्व में प्रमाणित है, कॉमनल फोर्स उसके साथ अगर कोई कौम अपने को समझौता करता है तो कॉमनली सेकुलरिज्म के हुआ खिलाफ है। बोलिए बोलिए, मैं अर्ज ये कर, लेकिन इस बात को भी स्पष्ट कर दें माननीय रामचंद्र पूर्वे जी, क्या सेकुलरिज्म की रक्षा के लिए करप्ट होना आवश्यक है? क्या कन्विक्टेड होना आवश्यक है? क्या जो आरोप लगे संपत्ति संग्रहण का आरोप लगे उसके लिए, अरे इसी के लिए सात निश्चय पर मिला था, मॉल बनाने के लिए नहीं मिला था, दिल्ली में मॉल बनाने के लिए नहीं मिला था। जवाब देते सेकुलरिज्म की परिभाषा, संविधान, अब आप मंत्री हैं, जेल में बैठा हुआ व्यक्ति, मंत्री जी बैठिए, जेल में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं करेगा, बैठिए बोलिए खाली सर। मैं पढ़िए बोलिए। माननीय सभापति महोदय, ये उच्च सदन है, माननीय सदस्य नामित हुए हैं, उनकी डिग्निटी पर चैलेंज हो रहा है। किस बात के लिए? क्या बेदारी कॉन्फ्रेंस किया जाना गांधी मैदान में कोई गलत था? इस ढंग की बात नहीं कर रहे। अरे माननीय सदस्य है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। एक राजनीतिक कार्यकर्ता को अगर सम्मान मिलता है तो इसके लिए मुबारकबाद देना चाहिए। भाई सदस्य हुए हैं, बैठिए सुबोध जी, बैठ जाइए सुबोध जी, बैठिए